जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे मंदिर के बारे में रोचक जानकारी लेके आए हैं। उनका नाम है खाटू श्याम मंदिर सीकर। दोस्तों, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार कहा जाता है। इस कहावत के पीछे एक पौराणिक कथा है। उनका भव्य मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का मानना है कि बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और रंका को राजा बना सकते हैं। ये मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की गिनती ही नहीं है, लेकिन मारवाड़ी व्यापारी वर्ग हर तरह के लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्त, प्राचीन समय की बात है। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका से बर्बरिक पुत्र हुआ और इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता है। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। निर्णय लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि बर्बरिक, युद्ध में आप किस तरह से या किसकी तरफ से लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से हम लड़ेंगे। तभी से भगवान को कहा जाता है खाटू श्याम को हारे का सहारा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कौरव और पांडवों के युद्ध में किसकी जीत होगी। उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उन्होंने कहा, बर्बरिक, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आप मुझे दान में दोगे क्या? तो उन्होंने बर्बरिक ने कहा कि मांगिए भगवान, जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उन्हें शीश दे दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि मैं युद्ध देखने की इच्छा जाहिर करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप युद्ध देख सकते हो। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाए। जब महाभारत संपूर्ण हुई और पांडवों की जीत हुई, तब आपस में बोल रहे थे कि युद्ध का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाए। तब पहाड़ी पर रखा सिर बर्बरिक ने कहा। उसके बाद युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को आशीर्वाद दिया और उसे रूपवती नदी में बहा दिया। एक बार कलयुग शुरू होने के बाद सिर को राजस्थान के खाटू गांव में दफन पाया गया और पहले ही बर्बरिक को वरदान दिया कि आप कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता होंगे जिसमें आपका शीश पूजा जाएगा। एक बार कलयुग जब शुरू हुआ, तब एक गांव में शमशान घाट के अंदर गाय के स्तनों से स्वतः ही दूध निकलने लगा। हैरान ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा, तब जाकर उसमें दबा हुआ सिर मिला। बात यह थी कि शमशान घाट के पास गाय का अपने आप स्तनों से दूध बहना शुरू हुआ, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। तब उन्होंने वहाँ खोदा तो खाटू के तत्कालीन राजा को ये बताया कि यहाँ पर खोदने के पश्चात एक मूर्ति जिसमें केवल शीश निकला है। खाटू के तत्कालीन राजा थे रूप सिंह चौहान, और उनको सपना भी आया था कि जिसमें एक मंदिर के अंदर सिर स्थापित करने को कहा गया। ये तब जब मंदिर का निर्माण करवाया रूप सिंह चौहान ने, उसके अंदर सिर स्थापित। खाटू श्याम का मेला हर साल होली के दौरान लगता है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन
खाटू का नरेश और शीश का धानी और लकदातार आरे का सारा, ये सभी नाम है जिसमें उनके भक्त खाटू श्याम को पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ की मानव सेवा भी है। यहाँ बड़े बड़े परिवार के लोग आम आदमी की तरह आते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, खाटू जाने के लिए आपको रिंगस तक ट्रेन की सुविधा मिलेगी और रिंगस के बाद बस के द्वारा भी जाया जाता है। और अपने आप राजस्थान के किसी भी कोने से पधारने वाले भक्त या श्रद्धालु के लिए वहाँ तक जाने की हर तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर यदि आप अभी तक खाटू मंदिर नहीं गए हो तो एक बार अवश्य जाएं और अपनी मनोकामना लेकर जाएं। हारे का सारा बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ पर मंदिर के पास में एक पवित्र तालाब भी है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर भारत ही नहीं विदेश के लोग भी हारे का सहारा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर जय श्री खाटू श्याम, लकदातार, नीले घोड़े रासवार, जो भी श्याम जी के नाम हैं उनका कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर भोले, ओम नमः।